लूप्स इन सी लैंग्वेज। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपके सामने एक मिस्टर लूप है, ठीक है। वो मिस्टर लूप को आप जो भी कमांड देंगे ना, वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे आपके सामने बहुत सारी चॉकलेट्स पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपने मिस्टर लूप को बोला कि यहाँ पे कितने चॉकलेट्स हैं, उसको आप काउंट करो। तो मिस्टर लूप ने क्या किया, पहली बार पहला चॉकलेट देखा, उन्होंने प्रिंट किया 1, फिर दूसरा चॉकलेट, फिर 2, फिर तीसरा 4, 5। तो ऐसे करके उन्होंने एक आउटपुट प्रिंट किया 1, 2, 3, 4 एंड 5। लूप्स का कॉन्सेप्ट भी सेम रहता है। जहाँ पर भी आपको एक चीज़ को रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स, वहाँ पर लूप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब वही अगर मैं मिस्टर लूप को बोलूँ कि जितने भी चॉकलेट्स पड़े हैं इसको 5 बार गिनो, ठीक है, तो वो 5 बार इसको प्रिंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5। ये पहली बार उन्होंने काउंट किया, फिर से वो काउंट करेगा दूसरी बार 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 times वो पूरे चॉकलेट्स को गिनेगा। तो कितना इजी हो जाएगा अगर हम इसका एक प्रोग्राम लिख देंगे, इंस्टेड कि मैं उसको खुद से बैठ के एक एक बार काउंट करूँ और किसी ने मुझे टास्क दे दिया कि 5 बार इसको गिनो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो यही होता है लूप्स। अब सी लैंग्वेज में इन लूप्स को लिखने के क्या तरीके रहते हैं, इसके प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा, तो बेटर है कि आप इसको यहीं आज सीख लें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड इन डेप्थ वीडियोज इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ। तो आई होप कि आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब गाइज देखते हैं कि सी लैंग्वेज में कितने टाइप्स हैं लूप्स को यूज़ करने के। तो पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप और तीसरा होता है डू वाइल लूप। अब फॉर लूप का काम क्या है, तीनों का काम एक ही है, बस इसमें कुछ कुछ डिफरेंस है, मैं वो समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले हम फॉर लूप को कवर करेंगे, ठीक है। अब फॉर लूप में जैसे कि आप सिंटैक्स देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 1 से लेके 5 तक हम यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे i इज इक्वल टू 1 है और i लेस देन 5 है, जब तक ये कंडीशन जो है i लेस देन 5 ये फेल नहीं होती, तब तक ये लूप रिपीटेडली चलता रहेगा। तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये होता है फॉर लूप के थ्रू हम सी प्रोग्राम में लूप्स को कैसे लिखें। वही होता है वाइल लूप। अब वाइल लूप का सिंटैक्स थोड़ा अलग रहता है, जैसे इसमें कंडीशन पहले मैंने लिख दी y i लेस देन 5, ठीक है। जब तक ये कंडीशन फेल नहीं होती है तब तक ये लूप को एग्जीक्यूट करेगा और वहाँ पे प्रिंट कर देगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 और एंड में हर बार काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। वही होता है थर्ड टाइप होता है डू वाइल लूप। अब यहाँ पर पहले डू होता है, ठीक है, पहले यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है उसके बाद में वाइल एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे जैसे डू है, डू में हम बोलेंगे प्रिंट कर दो और काउंटर को इंक्रीमेंट कर दो और नीचे वाइल कंडीशन वहाँ पे चेक होती रहेगी, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। वाइल में आपको हर बार नंबर एग्जीक्यूट हो ही रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और डू वाइल में बिना कंडीशन चेक करे भी एक बार तो एटलीस्ट वो प्रिंट हो ही रहा है, राइट। कि डू प्रिंट i की वैल्यू जो भी है, i की वैल्यू हमने ऊपर इनिशियलाइज किया 1, तो यहाँ पर वो एक बार तो प्रिंट करेगा ही, राइट। उसके बाद में उसको कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो वो अलग मैटर है कि वहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर एक बार तो वो डू प्रिंट करेगा ही जो भी ऊपर हमने i की वैल्यू दी है। और वहीं जो वाइल लूप है वहाँ पर आपको वो आउटपुट प्रिंट कर ही देता है 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन पहले लगी हुई है, तो कंडीशन अगर फेल हो गई तो एक भी बार वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। तो ये होता है डिफरेंस वाइल लूप और डू वाइल लूप। और ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हमने देखे ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको काम आएंगे, C++, जावा, पाइथन, C#, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स रहते हैं वहाँ पर आपको ये काम आते ही है। तो आई होप कि आपको लूप से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें और इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम आप खुद से रन कर सकते हैं अपने कंपाइलर में। और बेसिक नॉलेज जो है प्रिंटएफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का, अगर वो आपका क्लियर नहीं है और ये पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दी है। वहाँ पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में प्रिंटएफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आप उसको इन डेप्थ समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट हेल्प कर रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाना ताकि और वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं और अपना नॉलेज आप तक शेयर कर सकूं। एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।